दिरायावती क्षेत्र में बाढ़ से बांध क्षतिग्रस्त। बाढ़ की पानी घुसने से दिरायावती क्षेत्रों के लोगों में बड़ी परेशानी। मामला बगहा अनुमंडल अंतर्गत पिपरासी प्रखंड के सेमरा लेदीहरवा दिरायावती क्षेत्र की है। बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। बाबा क्या मामला बा, काहे पानी आ गेलो पूरा घर में? रेलवे का गोरत तो गोरत न कोनो सरकार सुनवाई कोई लो से आ, तीन साल से यही में हमनी तबाह बन जा। अन पानी सब दहिए गई आ ये बेरा प्लास्टिक पानी को ऊंचे बानी जा, इहो कोटी रहल बा। ती रेलवे के बांध में कैसे रुआ बनी? सरकार के बसौले से बेरा पानी घर में डूब डूब गेल बा, सब डूबल बा, अन पानी सब दहि गई। अब बाल बच्चा लेकर कौन तरह यारे नीचे बांधे पर इहो कटल शुरू हो गई बा। आपको यहाँ से हटाने के लिए आवेदन नहीं दिए हैं? बहुत सब सीओ कलाक वीडियो कलाक कर्मचारी अमीन सारा लोग देख के सब केहू भाग पर आई। आज ले देते वालों जमीन हमनी के ना दिहल लोग। राव नाम का है? ग्राम अधियादो ग्राम सिरपत नगर। समस्या ये बा हमनी के जे बार गांव घुस गइल बा आ कैंपो में घुस गइल बा, लेकिन ओपर हिम्मत क के ईस्वी सब ले आके हमनी के नाव से बांधा पर रखले बानी जा अपने कैंप के सामने। आ ये जा कुछ मदद वहाँ कर तन हम लोग पनियम बानी जा कुछ देते हैं राशन पता है दूसरे चार से रख गरीब आदमी सब भी तीत गई बा, लेकिन वही में कुछ मदद तू देता नहीं जा वही में कतो वही में तन मन जकर बचल बा वे खा तन जा। बड़ी परेशानी बा हमनी के खैले पिए लगे रहले के बहुत दिक्कत बा। का नाम पड़ी राउर? कस्तूरी। शुक्रवार को 5 या 5:30 बजे पानी आ गया था। उसमें हम लोग और SSB वाले लोग मिलकर जितने गांव वाले मतलब जहां पानी घुस गया था गांव वालों के मतलब ऊंचे स्थान पर हम लोग पुगाए और जो भी अपने से मतलब बना हम लोग उन लोगों को व्यवस्था किए। अभी तक कोई सरकारी मुआवजा मतलब उन लोगों का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब झंडू टोला बिन टोला और कानी टोला चकदावा सभी में पानी आया था और अपने से मतलब चिवरा बांटा गया और SSB वाला भी मदद किया, लोगों को राशन पुगाया, अपने से आलू पिया, जो भी मतलब खाने सामग्री है सब दिया है। अभी भी पानी है, पूरा पानी है। अभी तो फिलहाल झंडू टोला बिन टोला और कानी टोला तीन टोला में पानी है। अभी भी लोग बाहर हैं, ऊंचे स्थान पे हैं, खाना बना रहे हैं अपना।